Hey friends, welcome. I am Nirmal Yadav, motivational speaker and life coach. परेशानियां तोड़ती नहीं है, आपको मजबूत बनाती है। जब जब आपकी लाइफ में आपने परीक्षा दिया है, आप अगले लेवल पे जाते हो, तो जब भी लाइफ में परेशानियां आती है, वो तोड़ने के लिए नहीं आती है, आपको और मजबूत बनाने के लिए आती है। क्रिकेट की दुनिया में देखा जाए तो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली से लेके बहुत बड़े बड़े जो दिग्गज लोग हैं, उनको जितनी बार परेशानी आई है वो उससे आगे बढ़े हैं। तो हर बार आप भी अपने लाइफ में देखोगे तो आपको मिलेगा कि कभी आपका लाइफ टॉप पे रहेगा तो कभी बॉटम में, कभी टॉप कभी बॉटम, कभी टॉप कभी बॉटम, लाइफ ऐसे ही चलता है। तो मैं भी मेरी लाइफ को ऐसे ही, जब मैं टॉप पे था तो टॉप पे पॉइंट करता गया, बॉटम पे था तो बॉटम पे, जब मैंने इस डॉट्स को मिलाना शुरू किया और इसको लाइन के शेप में देता गया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि जिंदगी ऐसे ही चलती है, टॉप बॉटम टॉप बॉटम टॉप बॉटम। यानी कि जब जब परेशानियों में हुआ, जब जब नीचे आया, उसके बाद से जो ग्रोथ हुआ वो टॉप लेवल तक पहुंचाया। यानी कि परेशानियां कभी भी आती है तो आपको मजबूत करती है, और उस मजबूती के साथ जब आप आगे बढ़ते हो तो आप टॉप पे पहुंचते हो। परीक्षाएं आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आती है। परीक्षाएं आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको बनाने के लिए आती है। रियलाइज करो कि जब जब आपने जिंदगी में परीक्षाएं दी है, क्या आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं गए हो? अपनी लाइफ में देखो, दूसरा कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है, कि जब जब आपने परीक्षा दिया है, क्या नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं हुए हो? वैसे ही जब जब लाइफ में परेशानी आती है तो उतना मजबूत होता है, और जब उससे आगे निकलता है तो व्यक्ति बॉटम से लेके टॉप पे पहुंचता है। और तीन रोल होते हैं, एक टॉप, एक बॉटम, एक न्यूट्रल। टॉप यानी कि आपके लाइफ के पीक परफॉर्मेंस पे होते हैं, बॉटम यानी कुछ तकलीफ आती है, टॉप के बाद बॉटम में आना ही होता है। और एक होता है न्यूट्रल, जो कि चल तो रहा है लेकिन ना तो अप हो रहा है ना डाउन हो रहा है, यानी न्यूट्रल। तो ऐसा जिसका लाइफ है, उसकी जिंदगी ऐसी लगती है कि वो खत्म हो रही है, यानी कि लाइफ में जब कुछ हलचल नहीं है तो उस व्यक्ति को रियलाइज होता है कि अब तो लाइफ खत्म है। ठीक वैसे ही जैसे ईसीजी की रेखा आती है, ईसीजी का जब भी टेस्ट होता है तो लाइन सीधी नहीं आती है, ईसीजी का रेखा हमेशा ऊपर नीचे चलता है, हमेशा ऊपर नीचे चलेगा। अगर वो लाइन स्ट्रेट चली गई तो समझो लाइफ का ना एंड हो जाता है। आपके लाइफ में भी उतार चढ़ाव आते रहना चाहिए, ये साइन है कि आप अलाइव हो और आप कुछ करने के लिए तैयार हो। और जब जब लाइफ में परेशानियां आएंगी, उसके बाद से जो ग्रोथ होगा वो देखना, वो टॉप पे पहुंचाता है। दोस्तों, परेशानियों से घबराना नहीं है, उसका सामना डट के करो, क्योंकि ये परेशानियों से जब आगे निकलोगे तो आप टॉप पे पहुंचोगे और उस दिन आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो दोस्तों, कभी भी छोटी मोटी परेशानियां जब भी आई होंगी लाइफ में तो आपको ग्रोथ दिलाने के लिए आई होंगी। ऐसा नहीं है कि परेशानियों से आप टूट के बिखर गए होंगे। हाँ, बहुत कम लोग होते हैं जो परेशानियों का सामना नहीं करते और टूट के बिखर जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि परेशानी हमें आती है तोड़ने के लिए नहीं, बनाने के लिए आती है। तो परेशानियां जब जब आए जिंदगी में, तो ये समझो कि एक नया निर्माण होने वाला है, यानी कि टॉप पे पहुंचने वाले हो, तभी वो आपको परेशानी आई है। तो जिंदगी में जब भी परेशानी आए तो हमेशा अपने आप को उसमें स्ट्रांग करो और नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए खुद को तैयार करो, क्योंकि जो नेक्स्ट लेवल है वो आपका इंतजार कर रहा है। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मेरे इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन टैप करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए, ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए और हर बार मेरे इस चैनल पर आकर मेरा साथ देने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।